हरे कृष्णा। उज्जैन की रानी राजादी देवी थी, वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ। उनके पति जयासेन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद रानी ने ही राज्य की बागडोर संभाली। ये उन दिनों की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई श्री बलराम जी के साथ सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए थे। और वे कहाँ आए थे? अपनी बुआ के राज्य में। यद्यपि कृष्ण और बलराम अपने बुआ के राज्य में रह रहे थे, परंतु वे एक ब्रह्मचारी के समान अपने गुरु के आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रानी राजादी देवी की एक पुत्री थी जिनका नाम मित्रवृंदा था। जब भगवान की बुआ और उनकी पुत्री को ये पता चला कि वे उनके राज्य में शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, तब माताश्री, मैंने सुना है कि कृष्ण बलराम सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, तो वे हमारे महल में कब आएंगे? वे यहाँ कब आएंगे माताश्री? पुत्री, कृष्ण हमसे मिलने जरूर आएंगे। जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी वो हमसे मिलने अवश्य आएंगे। माताश्री, माताश्री, क्या कृष्ण की पढ़ाई पूरी हो गई? वे यहाँ कब आएंगे माताश्री? वे हमारे घर में कब आएंगे? बेटा, अभी समय लगेगा। कृष्ण जल्दी ही हमसे मिलने आएंगे, तुम चिंता मत करो। अच्छा मैया, तो मुझे कृष्ण के बारे में कुछ बताइए ना। ठीक है पुत्री, मैं तुम्हें कृष्ण के बारे में बताती हूँ। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, माथे पर मोर पंख लगाते हैं, जरी की पगड़ी पहनते हैं, पीतांबर धारी है श्री कृष्ण, कंठ में कई सारे रत्न धारण करते हैं, उनकी आंखें कमल के समान, उनकी मुस्कान यानी कमल की लालिमा, ऐसे हैं श्री कृष्ण। और उनके पराक्रम के बारे में तुम सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। जब 6 दिन के थे तब उन्होंने पूतना का वध किया, 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ऐसे पराक्रमी है श्री कृष्ण। ऐसे ही समय बीतता गया और मित्र वृंदा रोज अपनी माता से भगवान श्री कृष्ण कब आएंगे और उनके बारे में पूछती रहती। अब देखते हैं कि सांदीपनी मुनि के आश्रम में प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम कैसे विद्या प्राप्त कर रहे हैं। कृष्ण और बलराम इतने निपुण हैं कि वे सारी विद्याएं केवल 64 दिनों में सीख लेते हैं। भगवान ने केवल 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली। और सभी हैरान थे इस बात से कि अब दोनों भाइयों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, तो इसलिए उनके घर लौटने का समय हो चला था। अपने गुरु से गुरु दीक्षिणा पूछने के लिए कृष्ण और बलराम गुरु सांदीपनी मुनि के पास जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो पुत्रों। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमने 64 कलाएं सीख ली हैं। जी हाँ गुरुदेव, अब हमारा घर लौटने का समय हो चला है। कृपया कर आप हमें बताइए कि हम अपना गुरु ऋण गुरु दक्षिणा के रूप में कैसे पूर्ण करें। तुम दोनों मेरे आश्रम में आए, मेरे लिए यही बहुत है। तुम तो सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो, भला तुम्हें कोई कैसे सिखा सकता है? परंतु आपने मुझे सौभाग्य दिया, अपना गुरु चुना, मेरे लिए यही बहुत है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुत्रों, पुत्र कृष्ण, पुत्र बलराम, क्या तुम इतनी जल्दी चले जाओगे? स्वामी, आप ही कुछ कीजिए ना इन्हें रोकने के लिए, मैं इन दोनों को एक समान प्रेम करूंगी। पुत्र, क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकते? यह आप क्या कह रही हैं? यह तो स्वयं भगवान है, इन्हें कौन रोक सकता है? बलराम कृष्णा, तुम्हारी विद्या पूरी हो चुकी है, अब तुम स्वतंत्र हो घर जाने के लिए। पुत्रों, कृष्ण, स्वामी सदैव कहते हैं कि तुम भगवान हो, पर किंतु
मैंने तो तुम्हें सदैव एक पुत्र की ही छवि देखी है। क्या तुम मेरे एक विनती स्वीकार करोगे? आदेश दीजिए माता। आदेश नहीं, विनती है पुत्र, एक माँ की। क्या तुम मेरे मरे हुए पुत्र को वापस ला सकते हो? वो तो चला गया, पर जब से वो चला गया मैंने तुम में और बलराम में ही सदैव अपने पुत्र की छवि देखी है। एक माँ की विनती है पुत्र, उसे उसका पुत्र लौटा दो। गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करने के लिए भगवान ने अपने सारे ऐश्वर्यों को त्याग दिया था और उसी के राज्य के बाहर भगवान का रथ और उनका सारथी उनकी प्रतीक्षा में रुका हुआ था। दोनों भाई रथ पर सवार होकर समुद्र के तट पर जाते हैं जहां उनके गुरु के पुत्र गए थे। समुद्र देव भगवान श्री कृष्ण और प्रभु संकर्षण को देखकर अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और उन्हें उनके राम स्वरूप का स्मरण हो आता है। भगवान कुछ कहते उससे पूर्व ही समुद्र देव भगवान से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि मैंने आपके गुरु के पुत्र को नहीं छुपाया है, बल्कि मेरे अंदर एक राक्षस रहता है जिसने आपके गुरु के पुत्र को निकला था। भगवान समुद्र की गहराई में जाते हैं और उस राक्षस का वध कर देते हैं और वहां से पंचजन्य शंख की प्राप्ति होती है। भगवान वे पंचजन्य शंख लेकर जाते हैं यमराज के लोक में और वहां पर वे उस शंख को बजाते हैं और सिर्फ इस शंख नाद होने मात्र से नर्क में सभी जीव आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। ये आश्चर्यजनक घटना देखकर यमराज जी प्रभु से मिलने आते हैं। प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम जी को मेरा प्रणाम। आज आप दोनों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। प्रभु कृपया कर यमलोक में पधारे। यमराज, केवल मेरे शंखनाद से तुम्हारे लोक में पीड़ित लोग आत्म मुक्त हो रहे हैं। यदि मैं भीतर आया तो यमलोक लुप्त हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं भीतर आऊं तो तुम बताओ। क्षमा कीजिए प्रभु, आप तो सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और मैं अत्यंत मूर्ख हूँ। प्रभु, यहाँ आने का आपका कोई खास हेतु? मैं यहाँ अपने गुरु सांदीपनी मुनि के पुत्र को लेने आया हूँ। भूल से वो यहाँ जल्दी ही आ गए हैं। प्रभु, आप अपने गुरु के पुत्र को ले जा सकते हैं। जैसे ही उज्जैन में सभी को पता चला कि श्री कृष्ण और श्री बलराम अपने गुरु के पुत्र के प्राण यमराज से वापस ला रहे हैं, पूरी उज्जैन नगरी में उत्सव सा बन गया। पूरी नगरी को राजादी देवी ने कृष्ण और बलराम के स्वागत के लिए सजवाया। सभी ने कृष्ण और बलराम का भव्य स्वागत किया। तुम आ गए पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे मेरा पुत्र लौटा दिया। नहीं गुरु माता, ये तो हमारा कर्तव्य था, गुरु दक्षिणा थी हमारी। श्री कृष्ण, मैं आजीवन आपकी सदैव ऋणी रहूंगी। अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम घर लौटना चाहते हैं। कल्याण हो। अपने गुरु से विदा लेकर दोनों भाई अपनी बुआ के महल में जाते हैं जहां श्री मित्र वृंदा जी पहली बार प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं। उन्होंने उनके स्वागत की तैयारी स्वयं की थी। प्रणाम बुआ। प्रणाम बुआ। कृष्ण, बलराम, खुश रहो पुत्रों, कैसे हो तुम दोनों? कृष्ण, तुम्हारे पराक्रम के बारे में सुना मैंने, मन सुनकर प्रसन्न हो गया पुत्र, कल्याण हो। धन्यवाद बुआ। बुआ आप कैसी हैं? और आपके पीछे ये आपकी पुत्री मित्रवृंदा है ना? प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम मित्रवृंदा। आइए पधारिए ना, ये सारी सजावट आप ही के स्वागत के लिए की गई है, कैसी लगी आपको? धन्यवाद, अत्यंत सुंदर है। इस तरह दोनों भाई कुछ समय अपनी बुआ के घर रहकर अपने घर लौट आते हैं। इसी प्रकार से समय बीतता गया और भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और मित्र वृंदा जी विवाह योग्य हो गई और उनकी माता श्री ने उनके स्वयंवर की तैयारी की।
स्वयंवर में अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया गया। उनमें से एक निमंत्रण दुर्योधन के पास भी पहुंचा। पुत्र, अब मित्रविंदा विवाह योग्य हो गई है, उसके स्वयंवर की तैयारियां करवाओ पुत्र। आप सही कह रही हैं माता, हम अपनी लाडली बहन का भव्य स्वयंवर रचाएंगे। परंतु भ्राताश्री, हमें सुयोधन से आज्ञा लेनी पड़ेगी, हमारा राज्य उनके शासन के अंदर आता है। सही कह रहे हो, तुम दोनों अभी हस्तिनापुर जाओ और सुयोधन से बात कर लो, स्वयंवर की आज्ञा ले लो और उन्हें भी स्वयंवर में निमंत्रण दे देना। युवराज को हमारा प्रणाम। कौन है तुम दोनों? हम उज्जैन के राजा जयासेना के पुत्र है। बताओ क्या काम है? हमारी बहन का स्वयंवर होने जा रहा है, इसलिए हम आपसे 7 दिन की आज्ञा मांगने आए और निमंत्रण भी देने आए। कृपया स्वयंवर में जरूर आइएगा। तुम्हारी बहन का स्वयंवर होने जा रहा है, सर मैं भी तो देखूं, तस्वीर दिखाओ उसकी, अत्यंत सुंदर, इसका विवाह तो मेरे साथ ही होना चाहिए। सुनो, भव्य स्वयंवर का आयोजन करवाओ, तुम्हारी बहन के स्वयंवर में मैं भी आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ। स्वयंवर का दिन आ गया। सभी राजा महाराजा मित्र वृंदा के स्वयंवर के लिए पधारे, किंतु मित्र वृंदा तो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना प्राणनाथ मान चुकी थी। अब भगवान की बुआ की बेटी की शादी है तो प्रभु तो स्वयंवर में आएंगे ही ना। आइए देखते हैं स्वयंवर में क्या हुआ। जैसे ही सभी राजा पधारे, उनके बाद आए भगवान श्री कृष्ण, और वैसे ही मित्र वृंदा ने उनके गले में वरमाला पहना दी और प्रभु ने मित्र वृंदा को स्वीकार किया। हे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वयंवर में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बचपन से ही अपनी माता श्री के मुख से आप ही के गुणों के बारे में सुना है, और जब मैंने पहली बार आपके दर्शन किए तभी से मैंने निश्चय कर लिया था कि अगर मैं किसी की दासी बनूंगी तो केवल आपकी। जैसा तुम कहो मित्रविंदा। ये सब होता देख अन्य सभी राजा और खासकर दुर्योधन तो अत्यंत क्रुद्ध हुआ। ये सब क्या है? क्या हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है? हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं। हमारा इतना घोर अपमान, यदि कृष्ण से ही शादी करनी थी तो स्वयंवर का नाटक क्यों किया? सही कहा, पता नहीं इन लोगों को हमारा समय व्यर्थ करके क्या मिला, यहाँ से और कितना अपमानित होकर जाना पड़ेगा। अरे, इन्हें तो मेहमानों का स्वागत करना भी नहीं आता, इनकी पुत्री ने कृष्ण के आते ही उसके गले में वरमाला डाल दी। क्या अब यहाँ से भूखे पेट जाना पड़ेगा? कुछ खाने मिलेगा या नहीं? शादी का भोजन तो मिलेगा ना? शांत हो जाइए आप सभी। क्या आप सभी को स्वयंवर का अर्थ नहीं पता? स्वयंवर में वधू को अपना वर चुनने की स्वतंत्रता होती है। यदि मृत्युवृंदा ने कृष्ण को चुना है तो वो उसकी मर्जी है। आप सभी कृपया कर शादी का भोजन ग्रहण करें और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। बात उस तरफ है। इन सभी लोगों के बीच में से भगवान श्री कृष्ण श्री मित्र वृंदा जी को लेकर अपने साथ चले गए और प्रभु ने उन्हें अपनी अष्ट भार्या में से एक भार्या का पद दिया। हरे कृष्णा।